परम प्रातःकालीन माँ शारदे और इस भगवान शिव के इस प्रांगण में आज ऐसी विभूति और ऐसा विषय शिक्षक जिसका बड़ा पुनीत और बड़ा ही शुभ अवसर है उनके जन्म सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर आज हम एकत्रित होकर के उन पर अपने विचारों को उनके अपने गुणों को लेकर के हम अपने में लाने का प्रयास करें। यद्यप अभी हमने देखा सबसे बड़ी खुशी अभी मठ साहब ने भी कहा कि हमारे आचार्यों ने बहुत बढ़िया अध्ययन किया है और इस अध्ययन से कुछ न कुछ मिलता है और करना भी चाहिए। जैसे गुरु की बात आई है ये पुरानी ब्रह्मवादी परंपरा से चल करके आश्रम पद्धति से लेकर के चाहे वो राम का रहा हो चाहे वो महाभारत के द्रोणाचार्य का रहा हो और वो चाहे आगे चल करके उसका परिवर्तन होते हुए शिक्षक के रूप में आए। जैसे विश्वामित्र ने बला का जो सर्वश्रेष्ठ इससे ऊपर शायद ज्ञान का और कोई छोर नहीं बचा है कोई अंश नहीं बचा है जिसको दे करके उन्होंने राम और लक्ष्मण को पूरे संपूर्णता ज्ञान की संपूर्णता कर दी। ऐसे गुरु की कृपा जो है वो हमेशा मिलती रहे सबको नहीं मिल पाती अवसर आने पर समय आने पर पात्र मिलने पर वो अपने आप स्वतः आ जाते। इसी तरीके से वो परंपरा आज भी शिक्षक के रूप में भी शिक्षक जो है वो जो कलाएं हैं उसका परिवर्तन हो गया। वो यद्यपि चेतन अवस्था के लिए जैसे शिक्षण है शिक्षण कार्य है चेतन अवस्था के लिए लेकिन अवचेतन अवस्था के लिए गुरु का ही ज्ञान है जो भीतर भीतर जाके जगाता है। इसी तरीके से सारी परंपराएं गुरु के रूप में वो चलती हुई आज भी हमें भी आज हम आध्यात्मिक पक्ष को भी हम लेकर के चलते हैं। ऐसा नहीं चिंतन नहीं करते ऐसा नहीं कि हम प्रयास नहीं करते और सौभाग्य है कि हम सब आचार्यों के बीच में नाम भी बड़ा सुंदर है आ गया है शिक्षक और आचार्य। गुरु के बाद आचार्य को ही गुरु भी कहा जाता है और ये शिक्षक जो हमको बिल्कुल संस्कारित कर दे